खाने में क्या बन रहा है? लौकी। हे गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे लाइव हमारे चैनल में, और आप सभी का स्वागत है। अभी अभी मैं आई हूँ डॉक्टर के पास, उसके बाद मैं नहाई, नहाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करी, फिर आ गई हूँ खाना बनाने। और समय हो रहा है 8:30, दिन है संडे, तो मैं अभी शाम का जो है मतलब क्लिप शेयर करूँगी आप सबके साथ, और ये वीडियो जाएगी नाइट में, आप लोग देखना ना भूलिएगा। तो मैं सब्जी को कट करूँगी अभी, कद्दू यहाँ पे लौकी को, और लौकी की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो इस साइड मैंने रख दिया है दूध पकने के लिए, और आप सभी को ढेर सारी बधाई हरतालिका तीज की। तो हमारी सभी बहनों को ढेर सारी बधाई और सभी भाइयों को ढेर सारी बधाई, इसलिए कि बहनों की सेवा करिएगा और खाना वगैरह बना के रखिएगा, उनसे कोई काम मत करवाइएगा कि नहीं, क्योंकि ये निराजली व्रत होता है। और आप सभी का मेरी तरफ से ये संदेश है कि आप लोग उनका सेवा करिएगा, इसलिए आपको ढेर सारी बधाई। और मैं यहाँ पे लौकी जो है कद्दू कट करूँगी, और इसका बनाऊँगी थोड़ी सी सब्जी बनानी है, क्योंकि सब्जी मेरे पास दोपहर की जो बनी हुई है वो रखी है। तो ये देखिए मैंने पीस पीस कट कर लिया है, और फटाक से इसको हम कट करने वाले हैं। तो आजकल ना मैं क्या करती थी, मैं चॉपर बोर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी छोड़ दी थी, और मुझे मिर्च बहुत जलता था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता था। देखिए कितना अच्छा से पीस कट गया है ना लौकी का, और बिल्कुल छोड़ दी थी, तो इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं सोची मिर्च मुझे इतना लगता क्यों है और इतनी प्रॉब्लम मुझे हो रही है। तो फिर दिमाग में आया कि मैं चॉपर बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। चॉपर बोर्ड का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हाथ में नहीं टच होता है, और आसानी से जो है कट भी जाता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा है लौकी जो कि मैंने काट लिया है, और साथ में मैंने मिर्च काट लिया। अब देखिए यहाँ पे हाथ में चाकू से नहीं टच होगा, और हाथ में भी बहुत ही कम लगेगा अगर बचा के आप काटते हो तो। लेकिन मैं एक काम और करने वाली हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मेरा जो लौकी है वो कट चुका है। ये देखिए लौकी कट गया है। तो चलिए पहले हम तो कढ़ाई रख दें छौंक लगाने के लिए, और दूसरा काम क्या कर लेंगे, पहले तो अपने नाक को बंद करेंगे, क्योंकि इसमें डाल रहे हैं मिर्च, और मिर्च डालूंगी तो मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो पहले तो गैस को हम ऑन कर लेते हैं, फिर ले आते हैं क्या हम करेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं, कि मेरी मजबूरी बन चुकी है यार। तो आप इसको पहचान ही रहे होंगे, जब हम प्रसाद मंदिर में चढ़ाते हैं तो हमको चुंदरी मिलती है ना नारियल के साथ, तो वही चुंदरी है। कभी कभी बहुत अच्छा चुंदरी दे देते हैं, बड़ा साइज का रहता है, कभी कभी बहुत पतला। तो मैंने इसको ऐट लगा लिया है, और ऐट लगाने के बाद हम अपने नाक को अच्छे से बंद करने वाले हैं। नाक को मैंने अच्छे से कवर कर लिया है ताकि मुझे बिल्कुल भी छींक ना आए, क्योंकि आप जानते